वो रानी जिसे देखते ही लोग हो जाते हैं सम्मोहित। रोम का राजा भी देता था उस पर जान, क्योंकि वो थी बला की खूबसूरत। हाँ, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्लियोपेट्रा, आज हम उस रानी की बात करेंगे जो बहुत सुंदर थी और जिनके आगे लोग अप्सराओं को भी फेल बताते थे, जिनके लिए न जाने कितने युद्ध हुए और न जाने कितने राजा महाराजाओं के बीच लड़ाइयां हुई। उन्हें इतिहास के पन्नों में दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी का खिताब मिला और लोग उनकी तारीफ करते हुए कातिलाना हुस्न बोलते थे। वो रानी थी मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा, जिनके रूप पर कई शासकों ने जान दे दी तो कईयों ने जान ले ली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और बगल में जो घंटियां हैं उसको भी हिला दो। क्लियोपेट्रा के ब्यूटी सीक्रेट्स। क्लियोपेट्रा की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उनके नाम पर कई सारी वेबसाइट्स अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स और आर्टिकल बेचती हैं। आप भी जब एक बार गूगल में क्लियोपेट्रा सर्च करेंगे तो कई सर्च जानिए रानी क्लियोपेट्रा के ब्यूटी सीक्रेट्स, ये लगाती थी रानी क्लियोपेट्रा, टाइटल से आ जाएंगे। ये उनकी खूबसूरती का एक कमाल है जो 2000 साल बाद भी उनकी बात हो रही है। कौन थी क्लियोपेट्रा? मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा का नाम हर कोई काफी इज्जत से लेता है। वो जितने अधिक खूबसूरत थी उतनी अधिक निडर भी थी। मिस्र में जन्मी क्लियोपेट्रा असल में मैसेडोनिया ग्रीस से थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि क्लियोपेट्रा के पूर्वज सिकंदर के साथ ही मिस्र पहुंचे और वहीं बस गए। इन्होंने 4400 सालों तक मिस्र पर राज किया और ये दुनिया की इकलौती रानी है जिनके बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया। लोग हो जाते हैं सम्मोहित। क्लियोपेट्रा का असली नाम क्लियोपेट्रा सेवन था, मतलब कि इनसे पहले 6 और क्लियोपेट्रा मिस्र की धरती पर पैदा हो चुकी हैं। उनमें से एक सिकंदर की बहन भी थी। क्लियोपेट्रा सेवन इतनी अधिक खूबसूरत थी कि उनसे बात करते हुए लोग सम्मोहित हो जाते थे, और इस चीज का फायदा क्लियोपेट्रा बहुत अच्छे से उठाती थी। अभी आगे सुनिए। उन्हें भी पता था कि वो बहुत खूबसूरत है और ये उनकी एक गुणों में से एक था। वो एक चालाक कूटनीतिज्ञ थी जिन्हें 9 भाषाएं आती थी। वो गणित में भी अच्छी थी और अच्छे से अच्छे लोगों को मात दे देती थी। मतलब वही, ब्यूटी एंड ब्रेन्स आर अ डेंजरस कॉम्बिनेशन इन द हैंड ऑफ अ वुमन। ऐसे बनी मिस्र की रानी। जब वो 14 साल की थी तब उनके पिता टोलेमी की मृत्यु हो गई, तब मिस्र की बागडोर क्लियोपेट्रा और उसके छोटे भाई के हाथों में आ गई। लेकिन क्लियोपेट्रा काफी महत्वाकांक्षी थी और वो मिस्र पर अकेले राज करना चाहती थी, लेकिन मिस्र के लोग औरत का शासन नहीं चाहते थे, जिसके कारण उनसे मिस्र छीन लिया गया और वो सीरिया भाग गई। फिर एक साल बाद अपने भाई की सेना का सामना करने वापस मिस्र पहुंची। एंटनी और क्लियोपेट्रा को सबक सिखाने के लिए ऑक्टेवियन ने युद्ध छेड़ दिया। लड़ाई के दौरान ही एंटनी ने यह अफवाह सुनी कि क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या कर ली है। ये सुनते ही एंटनी ने अपनी तलवार से ही अपनी जान ले ली। एंटनी को दफनाने और ऑक्टेवियन से मिलने के बाद क्लियोपेट्रा ने खुद को अपनी 2 नौकरानियों के साथ कमरे में बंद कर लिया। इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने खुद को सांप से डसवाकर आत्महत्या की, लेकिन इसके आज तक कोई सबूत नहीं मिले, ना ही कोई कब्र मिली। तो ऐसी थी दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी क्लियोपेट्रा की जिंदगी और मौत, जो आज भी लोगों के लिए सबसे बड़ी पहेली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।